इधर देखो क्या बोले, फिर से बोलो। टैक्स, टैक्स क्या होता है? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है किसको? गवर्नमेंट को, जिसमें किसी भी टाइप का कोई रिटर्न आने का संभावना नहीं है, है ना, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। एंड इट कैन बी यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस या फिर वेरियस पर्पस। फिर हम लोग क्या पढ़े? ड्यूटी। इट इज ऑल्सो अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न एंड इट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस। जनरली इट इज चार्ज ऑन प्रोडक्शन। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? प्रोडक्शन। ड्यूटी जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज किया जाता है। रियलाइज टैक्स जो है वो रेवेन्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है। मतलब टैक्स जो है रेवेन्यू के बेस पे चार्ज किया जाता है और ड्यूटी जो है प्रोडक्शन के बेस पे। एक वर्ड आता है सेस। तीनों अलग अलग चीज है, तीनों पेमेंट ही है गवर्नमेंट को, टाइप ऑफ टैक्स ही है लेकिन अलग नाम से। सेस क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है किसको? गवर्नमेंट को, है ना, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न, जिसमें किसी भी टाइप का कोई पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है। बट इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज इट हैज बीन टेकन फॉर। लेकिन इसका यूज उसी पर्पज के लिए होगा जिस पर्पज के लिए इसको लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल बताएं तो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ये क्या है? एक टाइप का सेस है, है ना। इसमें गवर्नमेंट 4% टोटल पैसा देती है। जैसे मानो कि मेरा इनकम, अगर इनकम टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना है 1,00,000 रुपया, तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि 1,00,000 तो दीजिए, साथ में 4% और दीजिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, या फिर स्वस्थ रहेगा इंडिया, इसलिए स्वस्थ रहेगा। ये हेल्थ एडुकेशन हेल्थ सेस ना कोविड आने के बाद से लागू किया गया। पहले गवर्नमेंट जो है हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। पहले क्या था कि ज्यादा फोकस करता था पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी तो जब इंडिया क्या स्वस्थ रहेगा, क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट टोटल चार्ज करती है कितना परसेंट? 4%, है ना। तो इस 4% मतलब इस टैक्स का जितना टैक्स है, जो आदमी 1,00,000 देने के लिए रेडी है वो 1,04,000 देने के लिए भी क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। इस 1,04,000 में से, है ना, प्रोपोर्शनेट है कि हेल्थ के लिए 1,000 रुपया खर्चा होगा। इस 4,000 में से 1,000 किस लिए खर्चा होगा? हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, दवा के लिए, चाहे जो भी। बाकी का जो 3,000 बचा, वो 3,000 में 2% है, 2% और 1%। 2% किसके लिए? हायर सेकेंडरी एडुकेशन के लिए, और 1% किसके लिए? हायर सेकेंडरी एडुकेशन के लिए। मतलब उसमें से 2,000 रुपया जो माध्यमिक तक के जितने भी टीचर्स हैं उन लोग को पेमेंट करने में जाएगा, और 1,000 रुपये का खर्चा हायर सेकेंडरी को जो टीचर है या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने में खर्चा किया जाएगा। चल गए यहाँ तक। ये क्या था? सेस। क्या क्या चीज पढ़े? टैक्स, ड्यूटी और सेस। फिर पढ़े हम लोग कि टैक्स कितना टाइप का होता है, है ना। तो टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको होते हैं? जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, क्या चीज? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट कोई एक ही पर्सन पे पड़ेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस मींस व्हाट? इंसिडेंस मींस कि गवर्नमेंट तक ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। और इम्पैक्ट मींस व्हाट? कि उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा। तो जैसे मानो कि मेरे को इनकम टैक्स पेड करना है, तो हम खुद जाएंगे किसके पास? गवर्नमेंट के पास, और हम गवर्नमेंट को खुद बताएंगे कि भैया मेरा इतना इनकम हुआ है, इस इनकम पे इतना इनकम टैक्स बनता है, ये लीजिए आप अपना इनकम टैक्स। हम खुद जाके गवर्नमेंट को क्या करेंगे? पैसा देंगे भी और लायबिलिटी भी मेरा ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंसिडेंट और इम्पैक्ट दो डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है, है ना। हम अगर किसी दुकानदार से बिस्किट खा रहे हैं और उस बिस्किट के अंदर में 50 पैसा का टैक्स है, तो हम दौड़ जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि नहीं नहीं मोदी को तो हम ही देंगे पैसा, है ना। हम क्या करते हैं? रिटेलर को दे देते हैं, रिटेलर दे देता है होलसेलर को, होलसेलर दे देता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ले जाके देता है किसको? तो डायरेक्टली पहुंच गया क्या गवर्नमेंट के पास? नहीं, हम दे दिए मानो मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर दे दिया किसको? गवर्नमेंट को। कौन से टैक्स का चोरी होने का चांसेस ज्यादा है? डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स मेरा खुद का पैसा नहीं है, तो मेरा इससे पैसा लेके इसको देना है, तो मेरे को उसमें चोरी करने का नहीं है। हम ज्यादा टेंशन भी नहीं लेंगे, हम इससे लेंगे और इसको देंगे। लेकिन हमको खुद का पैसा इसको देना है, तो देने से पहले सोचेंगे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स गरीबों के लिए ज्यादा खराब है? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट। इससे गरीबी बढ़ती है किससे? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। जो कम कमाता है उस पर टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ता है, जो ज्यादा कमाता है उस पर टैक्स का बर्डन
कम पड़ता है किसके में इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स इनइक्विटी को कम करता है हायर रेट ऑफ टैक्स कोई बंदा एक करोड़ कमाया तो 30 करोड़ तो एक करोड़ कमाया तो 30 लाख तो गवर्नमेंट छीन लेगा उससे लगभग कितना छीन लेगा 30 लाख छीन लेगा और उस 30 लाख को छीन के है ना आवास योजना में किसी एक गरीब का घर बना देगा समझ आ रहा है अमीर से पैसा छीना और किसको दे दिया तो क्या हुआ इनइक्विटी जो है वो कम हो गया जो करोड़पति था वो लखपति पे आ गया है ना जो 1000 भी नहीं कमाता था उसके पास 30 लाख का घर हो गया तो ये टाइप ऑफ क्या कर रहा है वो प्रोपोर्शनेट कर दे रहा है अमीर से लेके पैसा किसको दे रहा है गरीब को जितना भी गेहूं चावल मिलता है ये किसके पैसे से मिलता है मोदी अपने खेत में से तोड़ के लाता है ना वो सब कहां से लाता है हमारे तुम्हारे दिए हुए टैक्स से हमारे तुम्हारे दिए हुए टैक्स से या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी डायरेक्ट टैक्स किससे डायरेक्ट टैक्स से अंबानी अडानी को क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलता है क्योंकि इंडिया चल ही रहा है उन लोगों की वजह से है ना वो लोग टैक्स पेयर है क्या है टैक्स पेयर है जो आदमी करोड़ों कमा रहा है तो गवर्नमेंट को 30 लाख का तो टैक्स दे दे रहा है और उस 30 लाख से गरीबों का क्या हो रहा है भलाई हो रहा है बोलता है ना कि ये सरकार जो है अमीरों की सरकार है गरीबों की सरकार अरे भाई मेरे तुम्हारा सरकार बन जाएगा या तुमको देखने लगेगा है ना तुम्हारे लिए अगर कानून बनाने लगेगा अमीरों के लिए कानून नहीं बनाएगा तो लेटर ऑन क्या हो जाएगा अमीर जो है वो देश से छोड़ के विदेश चल जाएंगे हमारा देश जो है गरीब से और गरीब हो जाएगा चल गया यहां तक कोई दिक्कत फिर से टैक्स क्या होता है कंपल्सरी पेमेंट है लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं फिर टैक्स कितना टाइप का दो टाइप का कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट हम पढ़ा रहे हैं कि रिवाइज करा रहे हैं रिवाइज करा रहे हैं क्या करा रहे हैं रिवाइज करा रहे हैं ये मत समझो कि पढ़ा रहे हैं चलेगा यहाँ तक दुख है किसी को इसका क्या पढ़ाते हैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है ना असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अब बात आता है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो असेसमेंट ईयर के पीछे है ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर जो ईयर असेसमेंट ईयर के पीछे वाला ईयर है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं जो ईयर प्रीवियस ईयर के आगे वाला ईयर है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं बस आगे पीछे खेल के आ जाएंगे हम लोग ऐसा नहीं होता प्रीवियस ईयर का डिफरेंस जैसे बोले वैसे ही है कि असेसमेंट ईयर के ठीक प्रीसीडिंग ईयर को क्या बनाया जाता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या बोलता है असेसमेंट ईयर वो ईयर है असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें प्रीवियस ईयर के इनकम को असेस किया जाता है क्या किया जाता है असेस किया जाता है मतलब कि जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रीवियस ईयर के इनकम कितना हुआ है ये हिसाब किताब हम कब कर पाते हैं असेसमेंट ईयर के बाद अब जैसे मानो कि मेरा जो अभी ईयर चल रहा है अभी ईयर चल रहा है तुम्हारा 23-24 में मेरे को कितना का इनकम हुआ है क्या हम आज डिसाइड करके बता सकते हैं नहीं क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड हुआ 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को अगर तुम पूछोगे तो हम बता पाएंगे कि भैया हम 31 मार्च तक हम कितना कमाए हैं तो जब तक ये ईयर खत्म नहीं होगा तब तक ये शुरू नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर का इनकम जो भी हम कमाए हैं कि कौन से ईयर में प्रीवियस ईयर में वो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टैक्स उस पर देना चाहिए कौन से ईयर में असेसमेंट ईयर कौन से ईयर में असेसमेंट ईयर तो हर एक प्रीवियस ईयर का आगे वाला ईयर को क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर जिसमें हम लोग क्या करते हैं इनकम को असेस करते हैं क्या करते हैं इनकम को असेस करते हैं कि कितना इनकम हुआ है हमको कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह कौन से ईयर में करते हैं ये सब एक वर्ड पढ़े होंगे हम लोग एसएससी है ना क्या पढ़े थे एसएससी क्या होता है एसएससी एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स या फिर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई अदर सम ऑफ मनी पेड करने के लिए लाइबल है या फिर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर किसी भी टाइप का इनकम टैक्स एक्ट करने में केस चल रहा है या फिर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी एक एसएससी है बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कोई भी पर्सन अब यहाँ पे पर्सन का डिफरेंस है पर्सन का अलग क्या है मीनिंग है पर्सन इंक्लूड्स डिफिनेशन हम तुम्हें बता दे रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस से बता दे रहे हैं कि इन दोनों में से डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन पक्का एग्जाम में छपेगा कौन सा असेसमेंट एसएससी और पर्सन इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा 110% पिछले क्लास में बोले थे चार मार्क्स छह मार्क्स जो भी आ जाए आएगा लेकिन कंफर्म टिकट कटा लो ठीक है पर्सन किसको बोलते हैं पर्सन एनी इंडिविजुअल
हम तुम इंडिविजुअल है, हम तुम क्या है इंडिविजुअल, हमको खुद के नाम का टैक्स पेड करना चाहिए। हम लोग पैन कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या, बैंक अकाउंट नंबर है वो। इनकम टैक्स के नाम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मेरा नाम का ये खाता है ना, तो मेरे नाम पे ही सब चीज चलेगा। हम लोग कुछ भी लेते हैं पैन कार्ड देना पड़ता है, बैंक अकाउंट खुलाना है तो पैन कार्ड देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये सारा डिटेल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देख रही है। तुम इतना बिलीव नहीं करोगे, हम क्या शेयर खरीदे हैं, क्या बेचे हैं, क्या किए हैं, ये हमको खुद नहीं पता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा है ना। तुम जैसे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना पैन नंबर दोगे, वो तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल के दे देगा, ये शेयर अब खरीदे थे, इतना भी बेचे हो, इतना प्रॉफिट हुआ था, ये शेयर इतना भी खरीदे, इतना रुपया बैंक में डिपॉजिट किए हो साल भर में, और इतना रुपया बैंक से निकाले हो, वो भी दिखा देगा, सारा चिट्ठा निकाल के दे देता है। किसको, SSC को, कि ले भैया ये सब तुम्हारे पास तुम्हारा लेखा जोखा है। तो जो इनकम टैक्स फाइल करता है ना, वो वहां से सारा डॉक्यूमेंट क्या कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। अब उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजाता है, उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे। वो ये भी बता देगा कि बैंक तुमको कितना इंटरेस्ट दिया है, कब कब इंटरेस्ट दिया है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, तुमको ये इनकम दिखाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब है ना। इतना मतलब शार्प होते जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एक्ट है, माने स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे चोर ज्यादा है ना। बोलो क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ना कुछ खामी है, उस खामी को ढूंढ ढूंढ के जो है वो पैसा चुरा रहे थे टैक्स का। अब उसमें अमेंडमेंट डाला कि ये जो है दोबारा जंजीर बन गया है, एक दीवार यहाँ पे छेदा था तो उसके बाद एक और दीवार बन गया है ना। क्यों, क्योंकि जो जैसे मानो कि कोई सीए पढ़ रहा है तो उसको बताया गया कि यहाँ से टैक्स को क्या किया जा सकता है, बचाया। अब वही सीए बनने वाला जाके सरकारी ऑफिसर बन गया क्या बन गया, अब जाके बता दिया कि भैया यहाँ से तो धांधली हो रहा है ना, तो वो वहां से जाके क्या कर दिया, तो दिया इधर से, ऐसे करते 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 क्या हो जा रहा है, पूरा पैचअप हो जा रहा है। समझा क्या बोले, अच्छा ये ठीक है यहाँ तक। SSC क्या होता है, पर्सन क्या होता है, पर्सन इंडिविजुअल और बोलो है ना, एनी कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और कुछ था, और पार्टनरशिप फॉर्म, हाँ इंक्लूडिंग LLP। ये सब क्या है, पर्सन है, क्या है, पर्सन है। ढक्कन दोनों दीदी, ढक्कन उठाई कोई, चले गए यहां तक, तो क्या किसी की दिन। अब बात आते हैं थोड़ा सा, यही तो पढ़ा है, हेड ऑफ इनकम इंडिया ठीक है, हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम किसको बोलते हैं, हेड ऑफ इनकम इंडिया में जो है 5 हेड ऑफ इनकम डिसाइड करके रखा गया है। कितना, 5 हेड ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा समझो कि बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम का एक हेड ऑफ इनकम हो सकता है। जैसे मान लो कि हम 3-4 जगह जॉब करते हैं पार्ट टाइम है ना, तो 4 जगह से मेरे को सैलरी आ रहा है, लेकिन उसका हेड ऑफ इनकम एक ही है, सैलरी। क्या है, सोर्स ऑफ इनकम 3-4 हो सकता है, बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन हेड ऑफ इनकम टोटल कितना है, 5 ही। टोटल कितना है, 5 ही है हेड ऑफ इनकम जो हम बताएंगे। जैसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक बंदा कहां से कमा सकता है, सैलरी से कमा सकता है, जैसे जो मेरे को असेंबली से मिल रहा होगा या फिर जो भी मेरे को SMS से मिल रहा होगा, ये सब क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। क्यों, क्योंकि उतना देर के लिए हम वहां के लिए क्या है, इम्प्लॉय है, क्या है, इम्प्लॉय है, और वो लोग जो पीरियड देता है, जो बोलता है पढ़ाने के लिए, वही हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर आता है इनकम फ्रॉम, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि वो घर, वहां वाला सेंटर वाला घर हम भाड़ा पे देके रखे हैं, भाड़ा पे देके रखे हैं, तो वहां से तीन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके लिए क्या जनरेट होगा मेरा इनकम, तो वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो मेरा बिजनेस का इनकम है क्या, नहीं, वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हम क्या करते हैं, जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, जब जमीन का दाम बढ़ जाता है, 1 लाख में जमीन खरीदते हैं, जब 10 लाख हो गया तो उसको बेच दिए, 9 लाख का प्रॉफिट कमाए, गवर्नमेंट बोलता है कि इस पे टैक्स दे दो, क्या दे दो, टैक्स दे दो, 9 लाख कमाए ना भाई प्रॉफिट, लेकिन भैया हम इतना दिन तो रखे भी,
तो उसके हिसाब से ना गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता है कि चलो 1 लाख रुपए उस टाइम में था, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से अगर आपका 1 लाख बढ़ता तो आपका 5 लाख होता, फिर भी तो आप बेच रहे हो कितना में, 10 लाख में, 4 लाख होता बेच रहे हो 10 लाख में, तो 6 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है एक्स्ट्रा अर्न किए हो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, है ना। फिर आता है पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम लोग ट्यूशन पढ़ाओगे ना तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाते ना तो मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वही वाला हो गया तोड़ा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, है ना। मतलब कि आप पढ़ाइएगा तो पीजीपीपी, हम लोग पढ़ाएंगे तो आईफोर्स, इसलिए क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक उसी में क्या है इन्वॉल्व है, हम ज्यादा अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तुम लोग दिन भर पढ़ने में स्पेंड करता है और 1 घंटा पढ़ाने में, है ना, इसलिए तुम्हारा जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, और मेरे लिए वो इनकम जो है वो क्या है, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी है। अब जो भी इनकम इस हेड के अंदर में नहीं आता है, जो भी इनकम इस हेड के अंदर में नहीं आता है वो आता है आईफोर्स के अंदर में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में आता है। कौन सा इनकम, जो भी इनकम ऊपर के चारों हेड में नहीं आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, कैजुअल इनकम, फैमिली पेंशन, अगर छुच्छे पेंशन है, छुच्छे पेंशन समझते हो कि हम रिटायर हुए हमको पेंशन मिल रहा है तो वो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्योंकि कभी ना कभी हम एज ए एम्प्लॉय काम किए हैं तब मेरे को पेंशन मिल रहा है। बट अगर कोई विधवा को पेंशन मिल रहा है उसके पति मरने के बावजूद, है ना, हाफ ऑफ द पेंशन मिलता रहता है, तो वो जो मिल रहा है उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन, हम खुद काम नहीं किए हैं, मेरे पति काम किए थे वो चले गए तो उसके बदले में हाफ ऑफ द सैलरी जो है उनको अभी भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फैमिली पेंशन। वो कहाँ चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बैंक का इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना, शेयर बेच के प्रॉफिट कमाए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैसे शेयर खरीदे, होल्ड किए, होल्ड इसीलिए कि ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए तो हम बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम, चलेगा। ये क्या है, 5 हेड ऑफ इनकम। अब बात आता है स्लैब रेट, यहां से तुम समझो, अब गवर्नमेंट को टैक्स कितना पेड करना है, जो टैक्स नहीं पड़ा है वो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, गवर्नमेंट को टैक्स कितना पेड करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करके बताती है कि भैया आपका इतना इनकम पे इतना टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे एस्टिमेट पूछे कि अगर कोई बंदा 30 लाख कमाता है, कितना कमाता है 30 लाख, उस 30 लाख वाले बंदे को कितना का टैक्स पेड करना पड़ेगा, कोई क्या कर रहा है, पैसे ला रहा है, जो बंदा 30 लाख रुपए इनकम जनरेट कर रहा है, है ना, उसको कितना का टैक्स पेड करना पड़ेगा, अगर हम रफली बोले तो उसको करीब करीब 7,30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, कितना 7,30,000 रुपए उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। रफ एग्जांपल ऐसे है कि 10 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ेगा 1,12,500, बाकी का रिमेनिंग 20 लाख पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, है ना, तो करीब करीब 6 लाख इधर हो गया, 6 लाख और 6,12,500। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, है ना, तो 4% जब आप 6,12,500 दे ही सकते हैं तो 8,000 और दे ही सकते हैं, है ना, तो 8,000 उसका ले लेता है, किसका, पढ़ेगा इंडिया, एक बार इसका 4% निकालो तो कोई 6,12,500 का 24,000 करीब आएगा, 24,000 मतलब करीब करीब तुम देखो 7,12,500 का कब 4% 28,500 7,41,000। अब बोलो किसी का आंख जीभ नाक सब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कि भैया हम कितना मेहनत करके कितना पढ़ लिख के 30 लाख रुपया कमाना शुरू किए और गवर्नमेंट छुच्छे ले लेगी 7,41,000 रुपया, कमाएंगे बताएंगे नहीं यही होता है, है ना, इन इंडिया सब टैक्स देना चाहता है लेकिन टैक्स का रेट इतना हाई है कि कोई देना नहीं चाहता है। तुम सोच रहे हो कोई देगा, तुम सोचो ना कि तुम, लेकिन सैलरीड पर्सन का ना बहुत दुख है, जो आदमी सैलरी कमाता है 30 लाख,
है ना, वो तो पहले ही काट लेता है, वो तुम्हारा इम्प्लॉयर ही काट के गवर्नमेंट को दे देगा कि भैया हम इसको 30 लाख दे रहे हैं तो इसका 7 लाख का टैक्स होता है, आप 7 लाख रख लीजिए। क्लियर? वो कौन किसको दे देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, है ना। तो सोचो कि चूंकि रेट ऑफ टैक्स जो है बहुत हाई है, कहाँ पे? इंडिया में। इसको जनरली जो है थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि लोग जो है, अभी भी आदमी अब बोलो 12,500 या फिर 25,000 में घर चल जाता है क्या? 25,000 में अब घर चलने वाला नहीं है क्योंकि महंगाई इतना ज्यादा हो गया है। अब पहले हम स्लैब रेट पढ़ते हैं इंडिविजुअल का। किसका? इंडिविजुअल का, हमारे तुम्हारे जैसे कोई भी लोग, लड़का लड़की कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जीरो से लेके ओल्ड रिजीम बता रहे हैं 2.5 लाख तक, जीरो से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब तुम रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा तुमको दे देता है गवर्नमेंट, इस पे किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, मतलब कि नेक्स्ट 2.5 लाख पे, किस पे? नेक्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स लगता है 5% के रेट से। कितना परसेंट के रेट से? 5%। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक टैक्स का रेट हो जाता है 20%। अब कोई बंदा सोचो यहां पे है और यहां से यहां जाने में उसको कितना ही तकलीफ हो जाएगा। गुट्टा 20%, गुट्टा 20% मतलब समझो कि 10,000 कमा रहा तो 2,000 गवर्नमेंट को दे दे, अपना ईएमआई नहीं देता है वो 2,000 गवर्नमेंट को दे देगा। एक लाख कमा रहा तो 20,000 गवर्नमेंट को दे दे ऐसे फ्री में विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। किसी भी टाइप का कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। फिर 10 लाख एंड अबव 30%। ये स्लैब रेट है। क्या है? स्लैब रेट है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टैक्स का। अब तुमसे पूछा जाए कि कोई बंदा है ना, केस वन, कोई बंदा अगर 1,80,000 रुपया कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इसकी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन के केस में है। केस टू, अगर कोई बंदा 2,90,000 कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कितना परसेंट से देना पड़ेगा? कितना होगा 5%? 2,000। ठीक है, ये थोड़ा सा गरीब है, गरीबी रहने दो, है ना। द आंसर इसकी, ये जो छूट है वो सबके लिए छूट है। अब ये गलती कर दिया बेचारा, 2,90,000 कमा दिया तो 2.5 लाख तक सबके लिए छूट है। मैंने इसको भी 2.5 लाख फर्स्ट 2.5 लाख पे, फर्स्ट 2.5 लाख पे इसको नहीं देना है टैक्स। फर्स्ट 2.5 लाख पे इसका नील रहेगा, उसके बाद जो 40,000 एक्स्ट्रा कमाया है उस 40,000 का 5% देना है। समझ में क्या बोले? मतलब नेक्स्ट 40,000 पे आपको 5% टैक्स देना है, दैट इज 2,000। यहां पे नहीं अखरेगा आदमी को, यहां पे अखरेगा नहीं। अच्छा, तीन नंबर केस, अगर कोई बंदा 4,50,000 कमा रहा है तो इसके लिए भी 2.5 लाख छूट है, है ना। तो फर्स्ट 2.5 लाख पे, कैमरा में आ रहा है ना नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2 लाख पे ना, क्योंकि ये टोटल समेशन जो है 4.5 लाख होना चाहिए। तो नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, क्योंकि हम स्लैब अभी क्रॉस किए नहीं है तो हमको 10,000 का देना पड़ेगा। रिबेट का बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हमको आता नहीं है, आता है, अभी रिबेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर फोर, अगर कोई बंदा 6 लाख जनरेट कर रहा है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% से कि 20% से? द आंसर इज, इसके लिए भी 5% उतना दूर तक रहेगा, उससे जितना ज्यादा कमाया उस पर वो 20% देगा। मतलब फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख, क्योंकि हमको 5 लाख तक लिमिट है, कहां तक लिमिट है? तो फर्स्ट 2.5 लाख नील हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे
नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% 12,000 इतना कंफर्म करो कि 5 लाख तक टैक्स आपका 12,500 लगता है। 5 लाख तक टैक्स आपका कितना लगता है? उससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 लाख पे 12,500 ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट 5 लाख पे 12,000। अच्छा अभी ये कितना है? 6 लाख है, तो 5 लाख का तो हिसाब हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट कितना बचा है? इस 1 लाख पे कितना परसेंट? मतलब 20,000। यहां से हाथ निकलना शुरू होता है 32,500। फिर भी ठीक है, फिर भी अगर बंदा याद है नहीं, पहले इतना कॉपी करोगे तुम लोग YouTube वाला, तुम लोग पॉज करके क्या कर लो, कॉपी कर लो, याद है? ठीक है, अगर कोई बंदा 9,50,000 कमाता है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 लाख तक 12,500। ये चीज तो थोड़ा सा तुमको समझ लेना पड़ेगा कि पहला 5 लाख तक तो इसको अब या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे। तो तुमको कैटेगरी देख लेना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में हो तुम। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो तुम बस ये याद कर लो कि पहला 5 लाख तक तो 12,500 फिक्स है ना। नेक्स्ट कितना बचा? 4,50,000। इस 4,50,000 पे कितना परसेंट? 20%, दैट इज 90,000। 1,02,500। अभी हम हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी बस तुमको हल्का हल्का कैलकुलेशन सिखा रहे। बाय चांस मानो कि कोई बंदा जो है 12 लाख कमा रहा है, इसका एक नंबर ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन। एक नंबर ऑप्शन ये है कि 0 से 2.5 लाख सबके लिए नील है तो इसके लिए भी नील होगा। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, दैट इज 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख तक, 5 लाख कहां से आया? इस दोनों के बीच का गैप, 5 लाख से 10 लाख के बीच का गैप है ना, क्योंकि इस क्रॉस कर गया ना उसको 10 लाख को। तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, दैट इज 1 लाख। और नेक्स्ट अब कितना बचा? 12 लाख है, 10 लाख तक का काम हो चुका है, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 2 लाख पे 30%, 60,000। अब कोई भी फिगर 10 लाख को क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा? अच्छा अभी जिस हिसाब से बैठा है उस हिसाब से फर्स्ट 5 लाख पे तुमको पता चल गया है 12,500 ही होता है ना। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख। अब यहां पे तुम कंफर्म हो गए कि भैया 10 लाख तक टोटल इनकम जो है 1,12,500 ही होता है टैक्स। कहां तक? 10 लाख तक का टैक्स पेबल कितना अमाउंट है? 1,12,500। उससे ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा होगा उतना पे 30% है ना। तो अगर देखा जाए तो 5-5, 10 लाख का हिसाब हो गया है, और कितना ज्यादा है? 2 लाख पे कितना परसेंट? 30%, दैट इज 60,000। हमको सिर्फ हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 लाख पे 1,12,500 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है उस पे दोनों को ऐड कर देंगे 1,72,000। क्लियर? अगर हम यही 20 लाख बोले तो, या 18 लाख बोले तो, या तो ये तरीका अपना सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फर्स्ट 10 लाख पे 1,12,000 और नेक्स्ट कितना बचा? 8 लाख पे 30%, दैट इज 2,40,000। 3,52,500। चल गए यहां तक? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना समझदार है तुम लोग? Thank you.
करो तो इस पे होमवर्क इसको बनाओ देखो एक बार अगर यहाँ तो नीली था यहाँ पे 2.5 लाख से जितना ज्यादा है उस पे हम 5% निकाल दिए हमको ये पता है कि 5 लाख तक का इनकम जो है 12,500 आता टैक्स उससे एक्स्ट्रा कितना है 87,500 उसका 20% 17,500 इसमें देखा जाए तो वही 5 लाख तक 12,000 अब 5 लाख इसका 20% 94,000 दोनों को ऐड कर लो 13,75,000 के केस में क्या करेंगे डायरेक्ट फर्स्ट 10 लाख कितना और नेक्स्ट 3,75,800 का 30% 40 चलेगा यहाँ तक जोड़ के कितना है 2,24,000 ठीक है बाकी सब तो ऐसे ही किए होगे तुम लोग आप बताते जाइए यही 10 लाख तक 12,500 5,65,200 का 30% डायरेक्ट कितना आएगा 169,560 दोनों जोड़ के 2,87,060 बाकी सब आई थिंक कि तुमने कर लिया होगा है ना समझ में आ रहा है क्या बोले ये किसका था एक इंडिविजुअल का था किसका था इंडिविजुअल का अगर हम बात करें ये स्लैब रेट सीनियर सिटीजन के लिए अलग होता है सीनियर सिटीजन में क्या चेंजेस आएगा कि पहला स्लैब जो है हम किसका बता रहे हैं अभी सीनियर सिटीजन का सीनियर सिटीजन का क्या है पहला 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं 3 लाख से 5 लाख तक 5% 5 लाख से बाकी सब सेव मतलब कि सिर्फ 50,000 का एक्स्ट्रा छूट है किसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए किसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए तो अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन का अगर 3 केस निकाले सीनियर सिटीजन के लिए अगर कोई बंदा 3,50,000 कमा रहा है तो उसका फर्स्ट 3 लाख फ्री रहेगा किसके लिए बता रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए फर्स्ट 3 लाख नील अब 3 लाख कितना है 50,000 उस पर 5% 12,500 अगर कोई बंदा 5,80,000 कमा रहा है तो फिर से वैसे ही फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं नेक्स्ट 2 लाख पे 2 लाख कहाँ का है ये दोनों के बीच का गैप क्लियर 5% दैट इज 10,000 अब समझो 5 लाख तक का टैक्स टोटल हो गया सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कितना था 12,500 कितना था 12,000 जबकि इसके लिए कितना हो गया 10,000 फिर नेक्स्ट कितना बचा 80,000 उसके लिए 20% 16,000 टोटल हो गया 26,000 अगर कोई बंदा 13 लाख कमा रहा है तो अब तो हम सीख गए फर्स्ट 3 लाख चलो ऐसे करो नील नेक्स्ट 2 लाख 10,000 है ना नेक्स्ट 5 लाख 20% 1 लाख और नेक्स्ट 3 लाख 90,000 सब ऐड कर ले कितना आएगा अरे सुन ले ये किसका था सीनियर सिटीजन का एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन 60 साल से 80 साल तक सीनियर सिटीजन होता है 80 से भी ज्यादा अगर कोई टिक गया है ना तो उसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेट और चेंज है उसके लिए सेलिब्रेट में क्या चेंज है ये बताते हैं उसका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है अब उसके बाद इतना टैक्स लगता है कि उसका हार्ट अटैक आ जाएगा मैंने पहला 5 लाख फर्स्ट 5 लाख नील ये किसका बता रहे हैं
ये लोग तो क्या है, पद्मश्री देने के अवार्ड के लायक है, 80 साल से ज्यादा जी गया है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है पहला 5 लाख के लिए नहीं रखा है। अब 5 लाख से जैसे क्रॉस कर रहा है सीधे 20% कि देने के बाद सीधे समझ आ गया, बोले फर्स्ट 5 लाख नील और उसके बाद से जैसे स्लैब रेट है वैसे स्लैब है ना। एक बार अगर सुपर सीनियर सिटीजन, भाई साहब देख लीजिए, सुपर सीनियर सिटीजन का देखें तो अगर कोई बंदा 8 लाख कमा रहा है तो फर्स्ट 5 लाख पे उसको कुछ नहीं देना है और नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, दैट इज 60,000। अगर कोई बंदा 15 लाख कमा रहा है तो फर्स्ट 5 लाख पे कुछ नहीं देना है, नेक्स्ट 5 लाख पे 1 लाख का और नेक्स्ट 5 लाख पे इसको 6 लाख करते हैं ताकि समझ में आए कौन 5 लाख क्या बात हो रहा है। 6 लाख का 30%, 1,80,000, तो 2,80,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये किसका बताएं हम, सुपर सीनियर सिटीजन। फिर से बोलते हैं इंडिविजुअल का क्या रेट है, 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 कितना 20%, 10 से above 30% फ्लैट। ये याद हो जाना चाहिए कि 5 लाख तक का इनकम पे 12,500, 10 लाख तक के इनकम का 1,12,500 और उससे ऊपर जितना भी होगा उस पर डायरेक्ट कितना परसेंट मारना है 30% है ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक डिडक्शन रखा है सेक्शन 87A रिबेट है ना, उसमें रिबेट बोलता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 का डिडक्शन मिल जाएगा, माने आपको टैक्स नहीं देना है अप टू 5 लाख। अगर टैक्स हो भी रहा है तो वो हम माफ कर देंगे, रिबेट दे देंगे, आपको छूट दे देंगे, जाइए नहीं देंगे आपसे। कितना का टैक्स रिबेट दे देगा, 12,500 का मैक्सिमम। लेकिन आपका इनकम थोड़ा सा भी अगर क्रॉस किया 5 लाख को है ना, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, कोई रिबेट नहीं। रिबेट उसी को मिलेगा जिसका इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। लेट सपोज कि अगर कुछ डिडक्शन मिलता है, एक्सेप्शन होता है, डिडक्शन एक्सेप्शन हम अपना बताएं तो मेरा इनकम करीब करीब ना, लेट सपोज कि अगर 6 लाख रुपया के करीब आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर सारा एक्सपेंसेस के बाद मेरे पॉकेट में सेव होता है 6 लाख, समझ में आया प्रॉफिट, क्या चीज प्रॉफिट 6 लाख आता है। तो अगर 6 लाख मेरा इनकम दिखाएंगे है ना, तो मेरा टैक्स कितना देना पड़ेगा, कायदे से देखो तो 5 लाख तक 12,500 और नेक्स्ट 1 लाख पे 20%, तो 20,000 कितना हुआ 32,500। हम क्या करते हैं कि 1 लाख रुपया जो कि मेरा 5 लाख से जितना ज्यादा है ना, वो 1 लाख रुपया हम अपने पीपीएफ में डाल देते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। कहां तक डाल सकते हैं, 1.5 लाख तक। कहां तक डाल सकते हैं, 1.5 लाख तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं, LIC में डाल सकते हैं है ना, 80D में डाल सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो भी हो। हम 1 लाख रुपए उठा के डाल दिए किसके में, पीपीएफ में। ये क्या हुआ, मेरा 1 लाख रुपया मेरा सेव हो गया। सेव हो गया मतलब मेरे बैंक अकाउंट में सेफ है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 7% से, कितना परसेंट से। और दूसरा बात कि ये मेरा इनकम अब जो है वो 6 लाख नहीं कराएगा, अब कराएगा 5 लाख, और 5 लाख पे इनकम होता है 12,000 जिसका हमको रिबेट मिल जाएगा 12,000, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट चाहता है कि तुम पैसा बचाओ, क्या चाहता है, पैसा सेव करो, क्योंकि हम प्राइवेट जैसे लोग जिसका ना SI है ना PF है ना कुछ है, अगर हम आज पैसा आ रहा है तो हम खा पी के उड़ा दिए, बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अगर हम हर एक साल 1-1 लाख रुपया भी अगर सेव कर रहे हैं या 1.5 लाख रुपया सेव कर रहे हैं तो आफ्टर 30 ईयर्स मेरे पास 45 लाख रुपीज का डिपोजिट होगा, उस पे जो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा करीब करीब समझ लो कि वो फिगर जो है करीब करीब 1,30,00,000 के करीब होगा। अगर हम इतना पैसा लेकर रिटायर होंगे तो मेरा बाल बेटा भी मेरा इज्जत करेगा है ना, मेरा पोता भी मेरा इज्जत करेगा। जो दादाजी के पास पैसा नहीं होता है, कोई गलत देता है दादाजी मतलब कि लॉटरी है ना, जो कि ले जाएंगे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो, अगर तुम्हारे बाबूजी बहुत कमा के नहीं रखे या फिर तुम्हारे दादाजी बहुत कमा के या फिर बहुत जमीन खरीद के नहीं रखे, लेकिन तुम तो बार बार यही बोलता है कि खरीद लेते तो ठीक ना होता, 10,000 में जो जमीन मिल रहा था आज उसका 10 लाख दाम हो गया है, कितना दाम हो गया है। तो इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन केस है ना। अगर 6.5 लाख भी होता है ना, मानो मेरा इनकम 6.5 लाख है तो हम पूरा उठा के 1.5 लाख रुपया कहाँ डाल देंगे, पीपीएफ में।
है ना, सुकन्या समृद्धि योजना सुने होंगे, उसमें भी डालने पर डिडक्शन मिलता है। इधर बेटी के लिए भी सेव हो गया पैसा और उधर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तीसरा बात कि हम मेरा शादी के टाइम में बेटी का काम भी आएगा, तो एक तीर से तीन तीन निशाना। तुम सोचो कि एक लाख पे अगर हमें इंटरेस्ट भी मिलता, बैंक में रखते भी तो 7% से इंटरेस्ट मिलता, 5% से मिलता, फिक्स डिपोजिट करते तो 9% से मिलता, 9000 कमाते साल भर का। लेकिन हम एक लाख के चक्कर में तो हम 32,500 रुपया बचा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस एक लाख पे मेरा रिटर्न जो है वो 32% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? 32%। तो इसलिए हम ये पैसा क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता, शेयर मार्केट जुआ होता है उसमें, है ना, वो सब इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तुम्हारा बुढ़ापा के लिए तुमको रेडी कर रहा है। LIC को जैसे आदमी क्या करता है, LIC को आदमी देखता है कि एज अ इन्वेस्टमेंट देखता है, बट LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो रिस्क बियरिंग है ना, जीवन के साथ भी जीवन के। LIC में कभी भी उतना रिटर्न नहीं मिल सकता है जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड तुमको 15% रिटर्न देता है, लेकिन LIC जो ना है तुमको एश्योरेंस देता है कि अगर बाई चांस बीच में कुछ हो गया तो हम लोग तुम्हारे घर को क्या करेंगे, देखने के लिए, तुम्हारे घर में पैसा भेजने के लिए हम लोग हैं अवेलेबल, है ना। और चूंकि गवर्नमेंट स्टेटरी कॉर्पोरेशन है तो डिफॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं, 100% क्लेम में जो है मिल जाता है। तो भी हो, ये थोड़ा सा कॉपी कर लो, याद है ना, सीनियर सिटीजन वाला क्या था, 0 से 3 लाख तक नील, और 3 लाख से 5 लाख 5%, और सुपर सीनियर सिटीजन का क्या था, 5 लाख तक नील, और उसके बाद डायरेक्ट इतना परसेंट की हाँ रेट लगा दे। 81 साल जी ही नहीं पाए। लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हम लोग, स्लैब में, है ना, याद है, लिखो थोड़ा सा मेरे को टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। अगर कोई बंदा 3,50,000 इनकम जनरेट कर रहा है तो उसका टैक्स कितना होगा, 575 जनरेट कर रहा है तो उसका टैक्स कितना होगा, और 13,80,000 जनरेट कर रहा है ना, नॉर्मल करने भैया, आ जाओ, हाँ इंडिविजुअल का बात हो रहा है। इंडिविजुअल का कितना कितना होगा, है ना, सीनियर सिटीजन का क्या होगा और सुपर सीनियर सिटीजन का क्या होगा, हाँ तीनों का5.5 लाख नील, नेक्स्ट 1 लाख पे 5% 5,000, इसके में फर्स्ट 5 लाख नहीं, अब तो इंडिविजुअल का ही बता रहे ना, 12,500, नेक्स्ट 75,000 पे 20%, 15,000, 27,500, फर्स्ट 10 लाख पे 1,12,500, नेक्स्ट 3,80,000 पे 30%, कितना है बोलो, 1,40,000 ऐसे कुछ, 1,14,000 ठीक है, इधर को ऐड करो,
226500। चलेगा सीनियर सिटीजन का बात बोले तो इसके में फर्स्ट 3 लाख तक नील, नेक्स्ट रिमेनिंग 50,000 पे 5%, यही तो 2,500। फर्स्ट 5 लाख तक 10,000 और नेक्स्ट 75,000 पे वही 20%। आराम से भी कर सकता है, मुस्कान है ना। तुम्हारे दूध तोड़ दो तुम, कितना आएगा इसका? 1,10,000 शायद। फर्स्ट एरिया पे 1,10,000 आएगा और नेक्स्ट 3,80,000 पे 30%, 1,40,000, 2,24,000। सीनियर सिटीजन रहता तो नील फर्स्ट 5 लाख पे नील, नेक्स्ट 75,000 पे 20%, दैट इज 15,000। क्लियर? फर्स्ट 10 लाख पे 1 लाख का टैक्स, नेक्स्ट 3,80,000 पे 30%। हम ऐसे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम पूरा अच्छे से मन लगा के बना सकते हो। क्लियर आएगा तो यही चल गए यहां तक कर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, एक वर्ड आता है ना, सरचार्ज। क्या चीज? सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? एडिशन टू टैक्स, टैक्स के अलावा और पेमेंट करना होगा आपको एक्स्ट्रा, है ना। अगर आपका इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गया है तो, अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपका जितना टैक्स बनता है उस टैक्स पे 10% और उस टैक्स का, है ना। सपोज कि यहाँ पे 2,14,000 हुआ, अगर ये सरचार्ज के अंदर में रहता तो 21,400 और टैक्स देना पड़ता इन द नेम ऑफ सरचार्ज, है ना। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% और 5 करोड़ से अबव है तो 37% एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर टैक्स। चलेगा यहां तक? अभी तक जितना भी हम लोग इनकम कैलकुलेट किए थे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी तक हम लोग जितना भी इनकम कैलकुलेट किए थे वो सारा इनकम, है ना, 50 लाख से कम था, 50 लाख से कम था। अगर एक बार अगर ये इनकम, लेट सपोज कि केस 1 और केस 2, ठीक है, केस 3 तुम लोग करेगा। मानो कि मेरा टोटल इनकम जो है वो दिया हुआ है 50,10,000। अब हम किस कैटेगरी में आ गए? सरचार्ज वाले कैटेगरी में, क्योंकि मेरा इनकम जो है 50 लाख को क्या कर गया है? क्रॉस कर गया है। क्या कर गया है? क्रॉस कर गया है। तो इस 50,10,000 पे पहले जैसे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करोगे कि 0 से लेके 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 1 लाख, नहीं ना, एंड अबव 10 लाख 30%,
मतलब इसका 30% मेरे को निकाल के कोई बताएगा? बोलो कितना आया? 12,00,000। ऐसा कुछ। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ? केरला 13,15,500। इस टैक्स लायबिलिटी से जनरली हम बता रहे, फॉर्मूला बता रहे, इसमें से रिबेट लेस होता है। अगर आपका इनकम कितना से कम रहेगा तो 5,00,000 से कम रहेगा तो मिलता है क्या चीज? रिबेट। अभी क्या इनकम मेरा 5,00,000 से कम है? नहीं। तो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। तो अभी भी टैक्स लायबिलिटी हमारा उतना ही है जितना था, 13,15,500। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं सरचार्ज। क्या ऐड करते हैं? सरचार्ज। सरचार्ज का रेट अभी कितना एप्लीकेबल होगा? 10%। 10% ऑफ व्हाट? टोटल इनकम की टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, तो ये मेरा टैक्स लायबिलिटी है, इसका 10% निकालेंगे तो 131,550 चलेगा। अब बंदा बोलो क्या गुनाह कर दिया? कमाया बेचारा 10,000 ज्यादा, अब उसको टैक्स देना पड़ेगा 1,31,500 ज्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है रिलीफ देता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। क्या बोला जाता है? मार्जिनल रिलीफ बोला जाता है उसको, है ना। कब मिलेगा? जब आपको जितना कमाए ना जितना का भगवान नहीं, उतना में झुंझुना हो गया है, है ना। ऐसे ना 10,000 कमा रहा बेचारा और उसको टैक्स देना पड़ जा रहा है कितना का? 1,31,550, है ना। इन दैट केस क्या आएगा? मार्जिनल रिलीफ। क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ। एक बार इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 1,44,70,50, है ना। ये क्या आया है? ये है टैक्स एंड सरचार्ज। क्या आया है? टैक्स एंड सरचार्ज। इसमें से लेस करेंगे हम लोग मार्जिनल रिलीफ। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल रिलीफ। इसका फॉर्मूला होता है सरचार्ज माइनस, ऐसा समझो, सरचार्ज माइनस इनकम माइनस 50,00,000। 50,00,000 का कैटेगरी था ना, वो वाला 50,00,000 है, इनटू 70%। सरचार्ज कितना है बोलो? ये 1,31,550। इनकम कितना था हमारा? 50,10,000 माइनस 50,00,000। ये हमेशा फिक्स है कि अलग अलग होगा? फिक्स है ये 50,00,000 फिक्स है। इनकम वेरिएबल करेगा, इनकम क्या करेगा? वेरी करेगा, इनटू 70%। 10,000 इंटू 70%, यही ना। 131,550 माइनस 7,000 कितना आएगा? 124,550। इतना कम मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। समझा क्या बोले? तो मतलब अल्टीमेटली सोचो तो मेरे को सरचार्ज के नाम पे कितना रुपया देना पड़ रहा है? 7,000। कितना देना पड़ रहा है? 7,000। एक बार इसमें से ये माइनस करो, 1,31,550, ये आ गया टैक्स एंड सरचार्ज। टैक्स एंड सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? हाँ याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है बोलो फिर से? सरचार्ज माइनस इनकम माइनस 50,00,000 इंटू 70%। ठीक है। अब इसके साथ ऐड करते हैं हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट था? 4%। 4% निकालो, 52,900 माइनस क्या बताओ? सॉरी प्लस क्या बताओ? 1,37,5,400। ये आ गया मेरा टैक्स पेबल। क्या आया? चलेगा। नया चीज क्या सीखे? सरचार्ज, है ना। एप्लीकेबल कब होता है? अगर आपका इनकम 50,00,000 से ऊपर रहेगा तो। आते हैं केस टू। केस टू में मानो मेरा इनकम है 60,00,000। कितना है? 60,00,000। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स पेबल। क्या कैलकुलेट करना है?
सबसे पहले जीरो से लेके ढाई लाख तक नील, ढाई लाख से पांच लाख 12,500, पांच से दस। सीनियर सिटीजन क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, कुछ भी अगर मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल ही अज्यूम करेंगे। 10 लाख से अबव कितना है 50 लाख, 50 लाख का 30% 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं। 1,612,500, 16,12,500 रिलीफ मिलेगा क्या, आई मीन रिबेट तो नहीं मिलेगा। 16,12,500 इसका क्या निकालेंगे, 10% है ना, 161,250 प्लस करो प्लस 177,375 जीरो। अब क्या निकालना है उनको, मार्जिनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है। सरचार्ज हमारा कितना है 161,250, ये सरचार्ज है मेरा, माइनस मेरा इनकम कितना है 60 लाख, 60 लाख माइनस 50 लाख इंटू 70% तुम देखोगे 7 लाख, तो 7 लाख ना रिलीफ मिलेगा क्या, नेगेटिव में चला गया ना तो रिलीफ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव में रहता तो रिलीफ मिलता है ना, इट मीन्स कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नील हो जाएगा। आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 177,375 इसका 4% 7,095 ये समझ में आया, जैसे ही इनकम मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो हमको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। लेट सपोज कि अगर यहाँ 52 लाख रहता तो 2 लाख का 70% 1,40,000, 2 लाख का 70% तब मिलता कि नहीं मिलता, तब मिलता, अभी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चलेगा। इसके साथ ये ऐड कर बोलो 1,844,700। अब दो केस तुम लोग को, अच्छा ठीक है, ओ ये रहने दे रहा 700 ठीक है। तुम लोग का दो केस निकालना है, 5,52,25,000 पे और केस 4,75,00,000 पे। क्या करना है, टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, हाँ वो कॉपी करो उसका, ये मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला एक जगह लिख के रख लो, मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला एक जगह लिख के रख लो, बोला करो, नहीं आ रहा है।